नमस्ते दोस्तों, फार्मानोट्स की इस वीडियो लेक्चर की क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम आरआरबी पैरामेडिकल एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। जो भी हमारे फार्मा कलीग्स हैं जो रेलवे बोर्ड के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सब्सक्रिप्शन करने के बाद में आपको वहाँ पे एक बेल आइकॉन दिखेगा, उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको ये एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक्स और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और भी फार्मा कलीग्स को इसका फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों, आरआरबी के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन जो भी अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इसका जो अभी आएगा नोटिफिकेशन, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा कब से, तो 4 तारीख से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखिएगा, ताकि फॉर्म भरने में आपको आसानी जाए। ठीक है, आपके जो भी मार्क्स है, आपका जो भी नाम है, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप करनी होती है, तो वो रेडी रखिएगा। ठीक है, आज का 1 तारीख है, अभी 2-3 दिन, मतलब 4 तारीख को तो आने ही वाला है रजिस्ट्रेशन। 4 तारीख को देखिए दोस्तों, ये 10 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो भी फीस है वो ओपन कैंडिडेट के लिए 500 है, ओपन और ओबीसी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इतना फीस है, और बाकी जो भी है, मतलब वुमेन्स है या माइनॉरिटीज क्लास के हैं और जो भी SC ST कैटेगरी में आते हो उनके लिए ये फीस आधी है, जो कि 250 रुपये आपको फीस भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके एग्ज़ाम के बारे में हम देखते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों, वो ऑनलाइन तरीके से होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ये। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ नहीं, माउस से सिर्फ आंसर को क्लिक करना होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है आरआरबी का, उसका सिलेबस कुछ अलग होता है, तो उसके सिलेबस के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। एक तो स्टेज 1 कहेंगे हम, जिसे हम ऑप्शनल जो पेपर होता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड वो, और स्टेज 2 में होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, स्टेज 2 में होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए होगा ये स्टेज 2 आपका, इसमें पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, अब स्टेज 1 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क के लिए होगा, और टाइमिंग आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं वो देखते हैं। पहले तो आएगा मैथमेटिक्स, वो होगा 30 मार्क्स के लिए, और 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस के लिए। सेकंड होगा सेक्शन इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड उसको हम रीजनिंग कहेंगे, तो इसमें क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे इसके जनरल अवेयरनेस में से, जनरल अवेयरनेस जो भी होगा आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहना होगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में इसका आएगा आपको 15 क्वेश्चन, आउट ऑफ 15 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और एक सेक्शन होता है इसमें जनरल साइंस का, जनरल साइंस में आपको पूछेंगे वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, यानी पूरा टोटल बनेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। ठीक है,
तो ये इस तरह से 100 मार्क्स का आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालनी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सवाल काफ़ी आसान होते हैं, 10th लेवल तक के मैथ्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस तो डेली रूटीन में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी मैथ की तरह आपको देखना पड़ेगा। और जनरल साइंस, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब जनरल साइंस के सब्जेक्ट आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से अभी इसी डायरेक्शन से आपको प्रिपरेशन शुरू करना होगा, क्योंकि ये जॉब भी बहुत अच्छी है, ये भी आपको लाइफ में सेटल होने के काम आ सकती है। ठीक है, इसकी सैलरी को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ये जो है जॉब, ये भी फार्मासिस्ट से ही रिलेटेड है, तो इसका फार्मासिस्ट का अभी जो ग्रेड पे है 2800 रुपये, तो इसी हिसाब से इसका सैलरी भी होगा। ठीक है, अब जो जब 7 पे कमीशन लग गया है, तो इस 2800 ग्रेड पे के हिसाब से जो भी ग्रेड है, सिटीज़ है, बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पे तो सैलरी ज़्यादा ही गिरेगी। ठीक है, तो इसकी तकरीबन सैलरी जाती है 45,000 रुपये पर। ये सब जो भी DCPS है या फिर जो भी आपका PPF फंड है, वो भी सब काट कूट के आपके हाथ में 40,000 पर मंथ सैलरी तो आ जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो आपको इस और वैकेंसीज भी बहुत सारी है दोस्तों, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है ताकि आप लाइफ में सेटल हो सके। ठीक है, तो आप अभी से निश्चय कर लीजिएगा कि आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है, और रोज़ दिन दिन में इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपरेशन करना है, तो हम आपको उसके लिए भी गाइडेंस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अभी RRB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो चैनल के थ्रू आपको रोज़ वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बस हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा, ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका प्रिपरेशन अच्छा हो। ठीक है, तो लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और हाँ, मैं अभी इसके बाद ESIC एग्ज़ाम के जो भी कलेक्टिव 100 या 100, तकरीबन 104-5 तक के क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ताकि ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम देने वाले जो भी फार्मा कलीग्स हैं, उनको उनके आंसर एक साथ टैली करने मिले। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।